हर काम अल्लाह ही उसकी तदबीर फरमाता है, और ज़ाहिर है रोजाना नए काम ही होते हैं, जो कल काम हो चुके आज के दिन नए काम, बल्कि हर लम्हे में नया काम हो रहा होता है। दुनिया में जितने भी प्लैनेट्स के साथ मामलात चल रहे हैं, वो सारे के सारे नए मामलात हो रहे हैं हर रोज। इवन आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं, ये जो सितारे आप रात को आसमान पर देखते हैं, आपको पता है ये अरबों साल पहले खत्म हो चुके हैं। जो आज आप देख रहे हैं ये खत्म हो चुके हैं, चूंकि रोशनी अब जमीन पर इनकी पहुंच रही है ना, इसकी वजह से आपको ये भी दिखाई दे रहे हैं। इनको खत्म हुए भी अरबों साल गुजर चुके हैं और इनके जगह नए सितारे आ चुके हैं, और जो नए सितारे वो हमें नजर नहीं आते, क्योंकि रोशनी की भी बहरहाल एक स्पीड तो है, अगरचे बहुत स्पीड है, 3,00,000 किलोमीटर एक सेकंड में, यानी पूरे जमीन का सर्कमफ्रेंस है 40,000 किलोमीटर। रोशनी एक सेकंड में 7 चक्कर पूरे जमीन के काट सकती है। उसके बावजूद ऐसे ऐसे सितारे हैं कि रोशनी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रेवल करती रहे तब भी उन तक नहीं पहुंचेगी। तो जब नहीं पहुंचेगी, सूरज की रोशनी 8 मिनट में जमीन पर पहुंचती है, फिर हमें सूरज नजर आता है। तो जिन सितारों की रोशनी 8,00,000 साल में, 8 करोड़ साल में, 8 अरब साल में जमीन पर पहुंचेगी, और उसके बाद वो सितारे खत्म हो जाते हैं ब्लैक होल में जाके। लिहाजा ये जो आप रात को सितारे देख रहे हैं, आज आपने ये तस्वीर करना है, ये सब के सब मर चुके हैं सितारे, आपको नजर इसलिए आ रहे हैं कि इनकी रोशनी अब जमीन पर पहुंच रही है। आप फिर अल्लाह की कुदरत का अंदाजा करें, वो ब्लैक होल वाली मेरी वीडियो देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लो जी, आपका पूरा थद्दा मैंने खत्म कर दिया, ये देख लें। कोई एक पर्ची ऐसी नहीं है जो मेरे पास आई हो और मैंने उसे पढ़ के उसका जवाब ना दिया हो।